हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव, और इस वीडियो में हम एडजेक्टिव का पार्ट वन कवर करेंगे, जो कि सभी बैंकिंग और एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो कि एडजेक्टिव से रिलेटेड हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सभी बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए और एसएससी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, व्हेन आई विजिट द लाइब्रेरी फॉर रीडिंग मल्टीपल न्यूज़पेपर्स I meet many intelligent students and wise people who sometimes give me valuable ideas. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे नाउन दिए हैं, जैसे न्यूज़पेपर एक नाउन दिया है और उसको मॉडिफाई किया है मैंने मल्टीपल वर्ड से। तो मल्टीपल यहाँ पर एक एडजेक्टिव हुआ क्योंकि ये नाउन के साथ यूज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट की विशेषता बताने के लिए मैंने इंटेलिजेंट वर्ड को प्रयोग किया है, तो इंटेलिजेंट जो हुआ वो यहाँ पर एडजेक्टिव हुआ। पीपल की विशेषता बताने के लिए यहाँ पर मैंने वाइज का इस्तेमाल किया है, और वाइज जो हुआ यहाँ पर एडजेक्टिव हुआ। उसी तरीके से वैल्यूबल यहाँ पर एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, तो एडजेक्टिव ऐसे वर्ड होते हैं जो हम नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए, उनको मॉडिफाई करने के लिए हम उनको यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली। एट्रीब्यूटिवली का मतलब है कि जब हम उसको नाउन के साथ यूज़ करते हैं, नाउन की क्वालिटी या नाउन का एट्रीब्यूट बताने के लिए जब हम उसको यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि एडजेक्टिव यहाँ पर एट्रीब्यूटिवली यूज़ हो रहा है। जैसे ये सेंटेंस देखिए, देर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, तो यहाँ पर क्लाउड के साथ ये डार्क वर्ड लगाया है, तो ये एट्रीब्यूटिवली यहाँ पर यूज़ हो रहा है। और नीचे वाले सेंटेंस में द क्लाउड्स इन द स्काई आर डार्क, तो यहाँ पर ये प्रेडिकेटिवली यूज़ हो रहा है क्योंकि ये वर्ब के बाद यूज़ हुआ है। अब एक रूल है इसमें, द एडजेक्टिव इज करेक्टली यूज्ड विद ए वर्ब व्हेन सम क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट रादर देन द एक्शन ऑफ द वर्ब इज टू बी एक्सप्रेस्ड। ठीक है, यदि एडजेक्टिव की क्वालिटी आपको बतानी है, सॉरी, यदि आपको नाउन की कोई क्वालिटी आपको बतानी है किसी भी नाउन की, तो उसके लिए आप एडजेक्टिव का यूज़ करिए और वो एडजेक्टिव का जो यूज़ होगा वो करेक्ट होगा। जैसे यहाँ पर हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, फॉर दैट रिचुअल फ्लावर्स वर प्लग्ड फ्रेशली। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसकी विशेषता बता रहे हैं, यहाँ पर इस वाले सेंटेंस में हम जो फ्रेश था वो क्या था, वो फ्लावर था। ठीक है, फॉर दैट रिचुअल फ्लावर्स वर प्लग्ड फ्रेशली, तो फ्रेशली इसलिए रॉन्ग है, हालांकि ये वर्ब के बाद लगा हुआ है, यहाँ पर प्लग्ड के बाद लगा हुआ है, लेकिन जो प्लकिंग थी वो फ्रेश नहीं थी, फ्लावर्स फ्रेश थे, तो इसलिए फ्रेशली ना यूज़ करके मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर फ्रेश। फॉर दैट रिचुअल फ्लावर्स वर प्लग्ड फ्रेश। ठीक है, ये सेंटेंस करेक्ट है, नीचे वाला ऊपर वाला सेंटेंस इनकरेक्ट है, ये वाला सेंटेंस करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं फ्लावर्स को क्वालिफाई कर रहा हूँ कि फ्लावर्स की फ्रेशनेस बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि प्लकिंग जो होती है वो फ्रेश नहीं हो सकती, फ्लावर्स फ्रेश हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ऊपर वाला सेंटेंस इनकरेक्ट है और नीचे वाला करेक्ट है। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, द ओल्ड मैन हैज बीन अपॉइंटेड द प्रिंसिपल फ्रेश। ठीक है, लेकिन यहां पर इस वाले सेंटेंस में फ्रेश गलत है, यहां पर फ्रेशली सही है, क्योंकि यहां पर हम अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं कि अपॉइंटमेंट जो है वो फ्रेश है, वो अभी हुआ है। ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते कि प्रिंसिपल फ्रेश है या ओल्ड मैन फ्रेश है। ठीक है, अपॉइंटमेंट उसमें जो हुआ है फ्रेश हुआ है, फ्रेश का मतलब है कि रिसेंटली हुआ है, अभी हाल ही में हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर फ्रेशली का प्रयोग जो नीचे वाला सेंटेंस है वो सही हुआ है, और नीचे वाला सेंटेंस आपका करेक्ट है, ऊपर वाला सेंटेंस इनकरेक्ट है। ये वाले सेंटेंसेस देखिए आप, फ्रेश फ्लावर्स वर प्लग्ड, तो ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि हम ये एक रूटीन सेंटेंस है जिसमें हम बता रहे हैं कि ताजे फूलों को तोड़ा गया, फ्रेश फ्लावर्स वर प्लग्ड। और ये वाला जो सेंटेंस है, फ्लावर्स वर प्लग्ड फ्रेश, ये भी सही है, इसमें हम फ्रेशनेस पर एम्फेसाइज कर रहे हैं, और पहला वाला जो सेंटेंस है वो एक रूटीन सेंटेंस है, तो दोनों ही सेंटेंस ये यहाँ पर करेक्ट है। अब हम रूल टू पढ़ते हैं, ड्यू टू और प्रायर टू। ठीक है, ड्यू टू और प्रायर टू को आपको यूज करना है एज ए प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, और इनको हम यूज करते हैं एज एम आर के बाद या वॉज वर्ब के बाद, क्योंकि ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं। यदि वर्ब के बाद यूज करना है तो आप बिकॉज ऑफ या बिफोर का यूज करिए। ये सेंटेंस का इसका मतलब है, इस रूल का मतलब है, काफी इंपॉर्टेंट ये रूल है। जैसे विकेट्स फेल ड्यू टू द सुपर्ब बॉलिंग ऑफ अनिल कुंबले, ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि वर्ब के बाद यहां पर ड्यू टू का यूज कर दिया है,
वर्ब के बाद हम बिकॉज ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है, और ड्यू टू का हम प्रयोग करेंगे इज एम आर या वॉज वर्ब के बाद, जैसे यहां पर ये यूज हुआ है ड्यू टू, ठीक है। तो विकेट्स फेल, फेल के बाद हम ड्यू टू ना लगाते हुए हम लगाएंगे बिकॉज ऑफ। तो ये सेंटेंस करेक्ट है, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं द फॉल ऑफ विकेट्स वॉज ड्यू टू सुपर बॉलिंग। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ड्यू टू और प्रायर टू का यूज होगा इज एम आर के बाद और वॉज वर्ब के बाद, जबकि बिफोर और बिकॉज ऑफ का यूज होगा वर्ब के बाद। इतना आप याद रख सकते हैं। इसमें कुछ इनकरेक्ट और करेक्ट सेंटेंसेस यहां पर दिए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये करेक्ट है नीचे वाला सेंटेंस, इसमें भी नीचे वाला सेंटेंस करेक्ट है। यहां पर हम देखते हैं कि वर्बल और ओरल में क्या डिफरेंस होता है। वर्बल होता है पर्टेनिंग टू वर्ड्स, जैसे वर्बल एबिलिटी का एक सेक्शन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वर्बल का जो अपोजिट होगा वो होगा नॉन वर्बल, वर्बल एंड नॉन वर्बल। शाब्दिक और पिक्चर्स, मतलब शब्दों से संबंधित और पिक्चरों से संबंधित नहीं, शब्दों से संबंधित नहीं मतलब पिक्चरों से संबंधित। और ओरल का जो अपोजिट होता है वो होता है रिटिन, ठीक है। तो ओरल और रिटिन दोनों में ही हम वर्ड्स का यूज करते हैं, लेकिन ओरल में हम माउथ का यूज करते हैं, रिटिन में हम कॉपी और पेन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। वर्बल का मतलब होता है शब्दों से संबंधित, ठीक है। अब देखिए यहां पर सेंटेंस देखिए, वर्बल मींस रिलेटेड टू वर्ड्स, वर्बल एबिलिटी मींस एबिलिटी रिलेटेड टू वर्ड्स, ये इसका मतलब है। वर्बेटिम का क्या मतलब है, वर्बेटिम मींस इन एग्जैक्ट द सेम वर्ड, ठीक है। वर्बेटिम का मतलब है कि एग्जैक्ट जैसा लिखा हुआ है वैसा ही बोलना या कॉपी करना। फॉर एग्जाम्पल पैरेट्स रिपीट व्हाट यू से वर्बेटिम, मतलब पैरेट रिपीट करते हैं, जो पैरेट्स होते हैं वो रिपीट करते हैं जो आप जो कुछ भी बोलते हैं उसको वैसा ही एकदम से वो रिपीट करते हैं, ये इसका मतलब है। और ओरल का मतलब होता है माउथ से रिलेटेड, जैसे ओरल ड्रॉप्स, और ओरल का जो अपोजिट है वो है रिटेन, ठीक है। इस सेंटेंस से आपको समझ में आ जाएगा, जैसे यहां पर आप देखें हिज रिटेन स्टेटमेंट डिफर्स फ्रॉम हिज वर्बल वन, तो रिटेन का जो अपोजिट होगा यहां पर वो आएगा ओरल, ना कि वर्बल। वर्बल का अपोजिट होता है नॉन वर्बल, तो इसलिए नीचे वाला जो सेंटेंस है वो आपका सही है। आगे देखते हैं म्यूचुअल और कॉमन में क्या डिफरेंस है। म्यूचुअल का मतलब होता है जैसे राम और श्याम हैं, दोनों एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प करते हैं, तो इसका मतलब है कि राम श्याम की हेल्प करता है और श्याम जो है वो राम की हेल्प करता है। म्यूचुअल का मतलब होता है इन रिलेशन टू ईच अदर, इसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं म्यूचुअल में, म्यूचुअल कॉपरेशन, मतलब ए बी को कॉपरेट करता है और बी ए को कॉपरेट करता है, ठीक है। कॉमन में दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए वी स्टार्टेड टीचिंग ऑन द एडवाइस ऑफ ए म्यूचुअल फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड नहीं होता, कॉमन फ्रेंड होता है। जैसे राम और श्याम दोनों आपस में फ्रेंड हैं, और राम का भी फ्रेंड है मोहन और श्याम का भी फ्रेंड है मोहन, ठीक है। तो मोहन जो हुआ वो कॉमन फ्रेंड हुआ, जो कि राम का भी फ्रेंड है और श्याम का भी फ्रेंड है, और राम और श्याम के संबंध में जब हम कोई बात करेंगे तो होगा म्यूचुअल, उसको हम बोलेंगे म्यूचुअल। म्यूचुअल में दो होते हैं, कॉमन में दो से ज़्यादा होते हैं। जैसे वी स्टार्टेड टीचिंग ऑन द एडवाइस ऑफ ए म्यूचुअल फ्रेंड, तो यहाँ पर म्यूचुअल फ्रेंड ना बोलते हुए हम बोलेंगे कॉमन फ्रेंड, और ये सेंटेंस आपका सही होगा। वी स्टार्टेड टीचिंग ऑन म्यूचुअल एडवाइस, अब यहाँ पर म्यूचुअल एडवाइस वर्ड यूज हुआ है, तो ये सेंटेंस इसलिए सही है क्योंकि एक ने दूसरे को एडवाइस दी और दूसरे ने पहले वाले को एडवाइस दी, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है आई एडवाइज यू टू टीच एंड यू एडवाइज मी टू टीच, तो उस सेंस में ये सेंटेंस यहाँ पर आपका सही है। सम और एनी दोनों ही थोड़ी क्वांटिटी या थोड़ी डिग्री को हैं, सम का प्रयोग करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, एनी का प्रयोग करते हैं हम निगेटिव और क्वेश्चंस में, लेकिन यदि कोई क्वेश्चन ऑफर के फॉर्म में है तो उसमें हम सम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको ये सारे सेंटेंस समझ में आ जाएंगे। जैसे पहला सेंटेंस है इसमें आई शैल नॉट बाय समराइज, तो ये निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव सेंटेंस में हम एनी का प्रयोग करेंगे, सम का नहीं। नीचे वाला सेंटेंस करेक्ट है इसमें, और आई हैव एनी बुक्स ऑफ इंग्लिश की जगह मैं बोलूँगा आई हैव सम बुक्स ऑफ इंग्लिश, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पर देखिए ये नीचे वाला सेंटेंस है वुड यू लाइक टू हैव सम मोर राइस, ठीक है। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये ऑफ, ये हालांकि क्वेश्चन है लेकिन एक ऑफर के फॉर्म में है, तो इसलिए ये सेंटेंस हालांकि क्वेश्चन है लेकिन फिर भी सही है, इसमें हमने सम का प्रयोग किया है क्योंकि ये एक ऑफर के फॉर्म में है। लिटिल और फ्यू में क्या अंतर है, लिटिल का प्रयोग हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, क्वांटिटी के साथ, फ्यू का प्रयोग हम करते हैं जिसको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ।
ठीक है, तो एक तो ये बेसिक डिफरेंस हुआ लिटिल में और फ्यू में। अब उसके बाद लिटिल ए लिटिल और द लिटिल में क्या डिफरेंस है, उसी तरीके से फ्यू ए फ्यू और द फ्यू में क्या डिफरेंस है। लिटिल एक नेगेटिव वर्ड होता है जिसका मतलब होता है हार्डली एनी, मतलब ना के बराबर। ए लिटिल का मतलब होता है सम, मतलब थोड़ा सा, और द लिटिल का मतलब होता है जितना भी है वो पूरा का पूरा। और यही सेम एक्सप्लेनेशन फ्यू के लिए है, लेकिन फ्यू काउंटेबल के साथ यूज होता है जिसको हम गिन सकते हैं, लिटिल होता है अनकाउंटेबल के साथ यूज। ठीक है, तो यदि आप सेंटेंसेस यहां पर पढ़ेंगे तो उससे आपको ये समझ में आ जाएगा, जैसे लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। ये सेंटेंस इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि लिटिल का मतलब तो होता है ना के बराबर, तो ना के बराबर जो नॉलेज है वो डेंजरस चीज नहीं होती। डेंजरस चीज क्या होती है, जब आपको थोड़ी सी नॉलेज होती है, मतलब थोड़ी सी नॉलेज का सेंस यहां पर डालने के लिए आपको बोलना पड़ेगा ए लिटिल नॉलेज, क्योंकि लिटिल का मतलब तो होगा कि उसको नॉलेज है ही नहीं, तो इसलिए ए लिटिल नॉलेज वाला सेंटेंस जो है वो करेक्ट है, आगे लिखा हुआ है करेक्ट। और यहां पर देखिए लिटिल नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स दैट ही हैज बीन गेन थ्रू न्यूज़पेपर, मतलब उसको जितनी भी नॉलेज है, हालांकि उसको थोड़ी नॉलेज है लेकिन जितनी भी नॉलेज है उसको उसने गेन किया है न्यूज़पेपर्स के थ्रू। तो हम बात कर रहे हैं कि उसको थोड़ी नॉलेज है लेकिन हम पूरी की पूरी नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए द लिटिल का यहाँ पर प्रयोग करना होगा, नीचे वाला सेंटेंस इसमें करेक्ट है। आगे मैंने कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं, ये एकदम से क्लियर हो जाएगा आपको ये कॉन्सेप्ट लिटिल का और फ्यू का। आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट बट आई सपोज आई हैव लिटिल चॉइस। आई हैव लिटिल चॉइस मतलब मेरे पास ना के बराबर चॉइस है, हार्डली एनी, तो ये सेंटेंस सही है यहाँ पर। फ्यू सिटीज का मतलब है एक भी सिटी नहीं, ना के बराबर सिटी। फ्यू सिटीज एनी वेयर इन यूरोप कैन मैच द कल्चरल रिचनेस ऑफ बर्लिन। बर्लिन जो सिटी है जर्मनी जर्मनी में, उसकी कल्चरल रिचनेस को मैच करने वाला एक भी सिटी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर फ्यू का प्रयोग बिल्कुल सही है। और यहां पर देखिए ए लिटिल ब्रेड, ठीक है, तो ए लिटिल ब्रेड यहां पर सही यूज हुआ है। ब्रेड जो है वो अनकाउंटेबल है, पीस ऑफ ब्रेड आपको बोलना पड़ेगा यदि इसको आपको काउंटेबल बनाना है। वैसे ब्रेड अपने आप में अनकाउंटेबल है, इसलिए यहां पर लिटिल का प्रयोग जो हुआ है वो सही हुआ है। ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। वी स्टेड फ्यू डेज इन फ्लोरेंस, हम फ्लोरेंस में कुछ दिन रुके। ठीक है, तो कुछ दिन को कुछ दिन अकाउंटेबल है, दिन जो है डेज वो काउंटेबल है, तो आप कुछ दिन रुके तो इसलिए उसको दिखाने के लिए आपको ए फ्यू यहां पर बोलना पड़ेगा, क्योंकि फ्यू आप बोलेंगे तो उसका मतलब है कि ना के बराबर दिन आप वहां पर रुके। ठीक है, जबकि आप बोल कह रहे हैं कि वहां पर आप रुके तो इसका मतलब कुछ दिन आपको बोलना पड़ेगा, तो इसलिए फ्यू यहां पर गलत है और ए फ्यू यहां पर आपको बोलना पड़ेगा जो कि सही है। अब देखिए ऑल शी वॉन्टेड वॉज अ फ्यू मूवमेंट्स ऑन हर ओन, ये सही ही है, क्योंकि वो चाहती थी कि उसको कुछ मूवमेंट्स मिले जिनको वो अपने बल पर जी सके, तो यहां पर ए फ्यू का प्रयोग सही है। शी हैड फ्यू मूवमेंट्स ऑन हर ओन, मतलब उसके पास अपने आप के लिए कुछ भी समय नहीं था, ये सेंटेंस का मतलब है। और इस सेंटेंस का यदि इस सेंस में इसको यूज करें तो ये सेंटेंस यहां पर सही है। शी सेव्स अ लिटिल मनी एवरी मंथ, वह थोड़ा सा पैसा हर महीने बचाती है, तो ए लिटिल यहां पर सही है। यदि आप यहां पर लिटिल कर देंगे तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। ठीक है, और लिटिल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो आपको कॉन्टेक्स्ट देखना होगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप उसको यूज कर रहे हैं। यदि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप किसी भी सेंटेंस को एकदम सही तरीके से यूज कर सकते हैं। यहां पर भी दे हैड लिटिल मनी टू स्पेंड, मतलब उनके पास ना के बराबर पैसा था खर्च करने के लिए, तो ये सेंटेंस सही है। यहां पर देखिए हैव यू गॉट एनी मनी, यस अ लिटिल, मतलब थोड़ा सा। हैव यू गॉट एनी मनी, नो वेरी लिटिल, नो के साथ यहां पर लिटिल लगाया है, देखिए नो के साथ लिटिल आया है और यहां पर यस के साथ ए लिटिल आया है, क्योंकि यस का मतलब है कि थोड़ा सा पैसा मेरे पास है, और जब नहीं है तो इसका मतलब ना के बराबर है, तो वेरी लिटिल लगाया है यहां पर नो के साथ, तो ये सही है यहां पर। आगे कुछ सेंटेंसेस और देखते हैं हम। कंपाउंड नाउन में जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है वो हमेशा हम सिंगुलर में लिखेंगे, जैसे यहां पर लिखा है 2 किलोमीटर वॉक, या 5 ईयर प्लान, या 2 ईयर ओल्ड बॉय। इस तरह की कोई भी कंपाउंड नाउन होती है जिसमें ये हाइफन लगा रहता है, उसमें हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसे यहां पर किलोमीटर है, उसको हम हमेशा सिंगुलर में रखेंगे, इसको हमेशा ध्यान रखिए। ईच और एवरी दोनों का ही मतलब प्रत्येक है, ईच छोटे ग्रुप के लिए यूज होता है, एवरी बड़े ग्रुप के लिए यूज होता है। ईच का मतलब है कि हम डेफिनेट संख्या को इंडिकेट कर रहे हैं, छोटे ग्रुप को हम इंडिकेट कर रहे हैं। एवरी का मतलब है कि अनलिमिटेड हम लोगों को वहां पर इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे यहां पर ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ईच इज यूज्ड
व्हेन नंबर इन द ग्रुप इज लिमिटेड एंड डेफिनिट। जैसे एक क्लास है जिसमें 10 स्टूडेंट हैं तो उसके लिए हम यूज ईच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यदि आप स्टेडियम में बैठे हुए लोगों के लिए यूज कर रहे हैं तो आप एवरी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वहां पर ग्रुप जो है वो बहुत बड़ा है और इनडेफिनिट है। तो यहां पर एक ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि ईच इज यूज्ड फॉर टू और मोर देन टू। ईच का प्रयोग हम दो या दो से अधिक लोगों के लिए करेंगे, लेकिन एवरी का प्रयोग हम दो से अधिक के लिए ही करेंगे, दो के लिए एवरी का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है। एवरी जो है वो ईच से ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है। एवरी का मतलब है ये ईच विदाउट एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये ईच और एवरी का कॉन्सेप्ट है। और इस तरह के जो वर्ड हैं ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली और नियरली, इनको हम हमेशा एवरी के साथ लगाते हैं, ईच के साथ नहीं। यहाँ पर ये सेंटेंस देखिए, ऑलमोस्ट एवरी कार, यहाँ पर ऑलमोस्ट ईच कार मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। और ये यहाँ पर दिया हुआ है नीचे प्रैक्टिकली एवरी हाउस, तो यहाँ पर प्रैक्टिकली ईच हाउस मैं नहीं बोलूँगा। तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस को आपको यूज़ करना है। ईच बॉय इन द क्लास वॉज बिजी, ये सही है सेंटेंस। ईच बॉय मैंने इसलिए बोला है क्योंकि क्लास में लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं। ईच ऑफ यू हैज़ टू कम्प्लीट द वर्क बिफोर 8 PM, यहाँ पर भी लिमिटेड संख्या है तो ईच का प्रयोग सही है। एवरी वन इन द स्टेडियम हैड एन आइडेंटिटी कार्ड, ये सही है, एवरी का प्रयोग यहाँ पर सही है, तो करेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। काइंड और शॉर्ट, काइंड और शॉर्ट का मतलब होता है उस तरह की कोई चीज, इस तरह का, ठीक है। और काइंड और शॉर्ट जो है वो सिंगुलर नाउन्स हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देखिए, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इज ऑफन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर काइंड जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ दीज का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर हम काइंड को चेंज नहीं करेंगे, हम जो एडजेक्टिव इसके साथ लगा हुआ है उसको चेंज करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट जब सही होता है तो हम सब्जेक्ट को चेंज नहीं करते, क्योंकि सब्जेक्ट पहले से ही सही है, उसके साथ जो वर्ड लगा हुआ है, जो एडजेक्टिव लगा हुआ है उसको हम सही करेंगे। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर सही है, क्योंकि काइंड का मतलब होता है कैटेगरी, और कैटेगरी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसी तरीके की बहुत सारी चीज़ें। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इज ऑफन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ये सेंटेंस सही है, क्योंकि इज यहाँ पर जो लगा हुआ है वो काइंड के साथ लगा हुआ है, ना कि क्वेश्चंस के साथ, तो इसलिए ये सेंटेंस एकदम सही है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स देखिए आप, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स जैसे ऑप्शंस के साथ, इसमें व्हाट का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन के साथ विच का प्रयोग हुआ है, तो चूंकि ये नाउन के साथ ये WH वर्ड यूज हुए हैं इसलिए इनको हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। और व्हाट का प्रयोग हम जनरल सेंस में करते हैं, विच का प्रयोग हम स्पेसिफिक सेंस में करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें, व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और यहाँ पर देखिए, विच ऑप्शन वुड यू गो फॉर, ठीक है, यहाँ पर एक स्पेसिफिक ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने विच का प्रयोग किया है। और इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, वेरी और ओन, ये होते हैं इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स, इनका प्रयोग हम करते हैं शब्दों पर जोर देने के लिए। जैसे यहाँ पर आप देखें, दिस इज एविडेंट फ्रॉम योर ओन वर्ड्स, ये चीज़ पूरी तरीके से क्लियर है आपके खुद के शब्दों के द्वारा, खुद के शब्दों से, ठीक है। तो ओन वर्ड का प्रयोग यहाँ पर सही हुआ है। और यहाँ पर दोज डिज़ाइन से पहले मैंने बोला है दोज वेरी डिज़ाइंस, ठीक है, मतलब वे डिज़ाइन ही थी जिन्होंने एक डिफरेंस क्रिएट किया। तो यहाँ पर वेरी का प्रयोग जो है वो इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के लिए हो रहा है, और ये प्रयोग जो हो रहा है ये सही है इसमें सेंटेंस, ठीक है। तो एडजेक्टिव के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने इसमें कवर किए हैं, और बाकी के पार्ट आप पार्ट टू और पार्ट थ्री में जो भी आएंगे उसमें आप देख पाएंगे, उसमें मैं एक्सरसाइज भी करवाऊंगा और काफ़ी सारे क्वेश्चंस में उसमें कवर करवाऊंगा। तो ये था एडजेक्टिव का बेसिक कॉन्सेप्ट, और ये था पार्ट वन। यहाँ पर आप अपना मुझे फीडबैक दे सकते हैं इस नंबर पर और इस ईमेल आईडी पर, और डेफिनेटली मैं अप्रिशिएट करूँगा। और इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप है एक फेसबुक पर, उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करें और उसका फ़ायदा उठाएँ। सारे नोटिफिकेशंस मैं वहाँ पर पुट करता हूँ, तो उसके थ्रू भी आप अपने आप को अवेयर रख सकते हैं। So thank you very much for watching this video. Thank you.